उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान अब तक नहीं हुआ, लेकिन बिसातें बिछ चुकी हैं। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रियंका गांधी रायबरेली में शक्ति संवाद कर रही हैं, अखिलेश का रथ घूम रहा है, तो आज बीजेपी ने भी जनविश्वास यात्रा की शुरुआत कर दी। मथुरा में जनविश्वास यात्रा शुरू करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। लखीमपुर में क्यों नहीं चल रहा है? और हम समाचार ने कहा कि बर्खास्त कर देंगे, तो नैरेटिव बदलने के लिए, खबर बदलने के लिए इस तरह के छापे मारने का काम अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। लड़ो, मैं तुम्हारे साथ। ये सच है कि ये छापे सपा के यानी सपा के मुखिया के घर नहीं पड़े, लेकिन चोर की दाढ़ी में थे। ब्रज की धरती पर दहाड़ रहे थे भगवाधारी मुख्यमंत्री। रामलीला मैदान में मंच सजा था, जबरदस्त समर्थकों की भीड़ जुटी थी। भीड़ के सामने खड़े होकर अपने 5 सालों का हिसाब दिया और फिर योगी आदित्यनाथ ने एक मुश्त विपक्षी नेताओं पर प्रहार कर दिया। मंच से विरोधियों पर तीखा हमला करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर आए और फिर हिंदू और हिंदुत्व पर जारी सियासत के बीच कांग्रेस नेता की कुंडली खोलकर कुछ यूं जुबानी नश्तर चलाया। और हिंदुत्ववादी पर राहुल गांधी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, क्या डिफरेंस आप कैसे समझते हैं इसको? जवाहरलाल नेहरू ने अपने को कहा था मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, तो उस एक्सीडेंटल हिंदू में राहुल जी भी हैं, तो इसमें कौन बड़ी बात है? मुख्यमंत्री योगी ने पिछली सरकारों में हुए दंगों का जिक्र किया, अयोध्या, काशी, मथुरा को लेकर विरोधियों को घेरा और फिर आयकर की छापेमारी को लेकर भी अखिलेश यादव के आरोपों का सीधा जवाब दिया। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो भाजपा की जनविश्वास यात्रा की चर्चा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक और चीज की यात्रा हो रही है, वो अखिलेश यादव के करीबियों पर आयकर विभाग की रेड, वो इसके टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। टाइमिंग का मतलब इत कभी भी हो सकता है। आयकर विभाग कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास है नहीं, वह एक ऑटोनॉमी बॉडी है जो अपना काम करती है पूरे देश के अंदर। रूटीन के छापे देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पे पड़ते हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके परिवार का किसने किया था? कांग्रेस के समय हुआ था ना, बीजेपी की सरकार थी भी नहीं, तो बीजेपी की सरकार को बने हुए 7 साल हो गए, 7.5 साल हो गए हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं? लेकिन ये सच है कि ये छापे सपा के किस यानी सपा के मुखिया के घर नहीं पड़े, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। दरअसल 18 दिसंबर को लखनऊ, मैनपुरी से लेकर मऊ तक 4 लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग के अफसरों ने छापेमारी की। इनमें से 3 अखिलेश यादव के करीबी हैं, एक तो बाकायदा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सुबह सुबह अखिलेश यादव ने TV9 भारतवर्ष की क्लिप दिखाकर बीजेपी सरकार पर हमला किया था। कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ED, CBI और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने सरकार पर ताबड़तोड़ आरोपों की बौछार की। उन्होंने सरकार पर फोन टैपिंग तक का आरोप लगाया। तो वहीं रायबरेली में मौजूद प्रियंका गांधी ने शक्ति संवाद करते हुए सरकार पर सवालों की बौछार की। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर धर्म और जाति की सियासत की जा रही है उत्तर प्रदेश में। आज राजनीति में सांप्रदायिकता और जातिवादी इतनी फैलाई जा रही है, इसलिए कि कोई विकास के मुद्दे न उठाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सवाल न पूछे कि भाई तुमने किया क्या मेरे लिए। प्रियंका गांधी के आरोपों को बीजेपी के नेताओं ने सिरे से खारिज किया। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का दावा है कि योगी आदित्यनाथ के अभूतपूर्व काम की बदौलत केसरिया पार्टी फिर से सत्ता में लौटेगी। सर, ये आज जो ये रैली दिख रही है, इतनी बड़ी जनता सड़क पर है, क्या आपको लग रहा है 2017 फिर से रिपीट होगा? बिल्कुल होगा, हम 300 पार करेंगे। जनता का विश्वास लेने के लिए हम निकले हैं, जो कहा था वो किया है और उस जो किया है वो बताने निकले हैं। यूपी में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 6 जिलों से जनविश्वास यात्रा की शुरुआत की है जो 14 दिनों तक चलेगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा खुद अंबेडकर नगर में, तो बलिया में MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। सर, ये जो रथ पर सफर है आप ही नहीं कर रहे, बल्कि अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं हर जगह,
अब बाजी किसके हाथ लगने वाली है, टटोल रहे होंगे मध्यप्रदेश की सियासी जमीन और उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन, फर्क बहुत है लेकिन नेताओं की नजर बारीकी होती है। जनता का विश्वास है मोदी जी में, जनता का विश्वास है मोदी जी में, जनता का विश्वास है योगी जी में, जनता का विश्वास है विकास के कामों में, जनता का विश्वास है जन कल्याण के कामों में, और इसी विश्वास के बूते भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त करने वाली है। योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा में मोर्चा संभाले हुए हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी में, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गाजीपुर से और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर में थे। विरोधियों के चक्रव्यूह को तोड़ने उतरे बीजेपी नेता मोदी और योगी के काम की व्याख्या कर रहे हैं। आप जहां जाओ वहां देख लो, 50 साल में उत्तर प्रदेश में जितने रोड नहीं बने उतने 5 साल में राष्ट्रीय महामार्ग हमने आपको बना कर दिए। यूपी में चुनाव का ऐलान होना बाकी है लेकिन तमाम सियासी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। प्रहार और पलटवार जारी है, हालांकि इसका फायदा किसे होगा ये तो मार्च में पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।